नमस्कार दोस्तों दोस्तों अरविंदम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों हम आज कक्षा 10 विज्ञान का प्रथम अध्याय रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पढ़ेंगे और मैं आपको YouTube पर कक्षा 10 का NCERT संपूर्ण कोर्स करवाने वाला हूं बिल्कुल निशुल्क। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और नीचे जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ आपको सभी प्रकार की न्यूज़ नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। दोस्तों चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं हमारा अध्याय नंबर 1, रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है। इसको समझने से पहले हमें दो चीज़ें समझनी पड़ेगी जो हमारे आसपास में घटित होती रहती है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। और जब रासायनिक परिवर्तन होगा तब क्या होगी, रासायनिक अभिक्रिया होगी और उस रासायनिक अभिक्रिया से हम क्या बनाएंगे, समीकरण। तो सबसे पहले हमको समझना होगा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो दोस्तों हमारे पास बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। हमारे आसपास में बहुत सारी घटनाएं घटित होती रहती है, उनमें से कुछ तो भौतिक परिवर्तन होते हैं और कुछ में रासायनिक परिवर्तन होते हैं। अब आप कैसे पहचानोगे कि इसमें भौतिक परिवर्तन है, इसमें रासायनिक परिवर्तन है, इनको हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। यहाँ मैं कुछ उदाहरण लिख रहा हूँ, फिर उनका हम एक एक करके स्पष्टीकरण करेंगे कि इनमें कौन सा परिवर्तन है। पहला है सलाद काटना। सलाद काटना, सभी काटते हैं सलाद। दूसरा है हमारे पास दूध का दही बनना। दूध का दही बनना, सब जानते हैं दही कैसे बनता है। तीसरा है लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना। चौथा उदाहरण है हमारे पास अंगूर का किण्वन। अंगूर का किण्वन अर्थात अंगूर का सड़ना। पांचवा है कागज का फटना। कागज का फटना। आगे हमारा लकड़ी का काटना। लकड़ी का काटना, सॉरी लकड़ी को काटना लिख सकते हैं। सातवां उदाहरण मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना, ठीक है। आठवां उदाहरण हमारे पास है भोजन का पकना। भोजन का पकना। उसके बाद हमारा 9 नंबर है श्वसन। मानव श्वसन ले सकते हैं, अपन श्वसन करते हैं मानव श्वसन। उसके बाद हमारा भोजन का पाचन। भोजन का पाचन। देखिए दोस्तों ये कुछ उदाहरण है और ये हमारे आसपास घटित होते हैं, सब जानते हैं। अब हम एक एक करके इनको समझेंगे कि किसमें तो भौतिक परिवर्तन है और किसमें रासायनिक परिवर्तन है। तो सबसे पहले भौतिक परिवर्तन के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो भौतिक परिवर्तन होता है उसमें पदार्थ के मूल गुणों में परिवर्तन नहीं होता है। इधर हम एक सारणी के माध्यम से समझेंगे, ये हमारा भौतिक परिवर्तन है और ये हमारा रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। तो जो पहला जो भौतिक गुण सॉरी भौतिक परिवर्तन होगा इसमें क्या होगा, पदार्थ के मूल गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके जो मूल गुण है इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं मूल गुणों में कोई परिवर्तन। मैं अभी शॉर्ट रूप में लिख रहा हूँ लेकिन बाद में आपको नोट्स लिखाऊंगा, इसमें तब आप नोट से उतार सकते हैं, अभी आप समझना है बस। भौतिक परिवर्तन में मूल गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है।
अर्थात जो उसके मूल गुण है रंग अवस्था गंध ताप, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो बने रहते हैं। दूसरा इसका कैसे पहचानेंगे, भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है। कैसा होता है? अस्थायी। भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है, अर्थात ये स्थायी नहीं होता है कि भाई एक बार परिवर्तन हो गया तो उसमें बदलाव नहीं हो सकता, लेकिन जो भौतिक परिवर्तन इसमें क्या होता है, अस्थायी होता है। एक बार परिवर्तन हो गया तो वापस उससे हम मूल पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात यह हमारे को जो भौतिक परिवर्तन इसमें मूल पदार्थ वापस प्राप्त हो जाता है। जैसे सलाद काटना, सलाद को काटा, अभी क्या हमारे पास सलाद है, उसको काटा तो पहले क्या थी, लौकी थी या आपकी जो खीरा होती है उसकी आपने काटी सलाद, ठीक है। जो खीरा होती है उसको काटने के बाद भी वो खीरा ही है, और जब उसको अपने नहीं काटा तो भी खीरा ही है, अर्थात यहाँ पे जो उसके भौतिक गुण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है। अब दोस्तों तीसरा इसमें देखिए कि हम भौतिक परिवर्तन में मूल पदार्थ वापस प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई पदार्थ है और उसमें भौतिक परिवर्तन हुआ तो वापस अपन उसी पदार्थ को प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात जो तीसरा इसका फैक्ट है, मूल पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। कैसे, एक उदाहरण लेते हैं, जल, जल यदि जमता है तो क्या बनता है, बर्फ बनती है। क्या बनती है? बर्फ। लेकिन यदि हम बर्फ को वापस पिघलाते हैं तो क्या बनेगा, जल बनेगा। अर्थात हमारे पास पहले मूल पदार्थ जल था, जल जमकर बर्फ बन गया और बर्फ हमारे पास नया पदार्थ है, लेकिन जो ही हमने बर्फ को पिघलाया तो वापस हमारे पास जल प्राप्त हो गया, मूल पदार्थ प्राप्त हो गया। तो यहाँ देख सकते हैं कि वापस यहाँ हमारे पास मूल पदार्थ प्राप्त हो रहा है, अर्थात जो भौतिक परिवर्तन होते हैं जिसमें अपन मूल पदार्थ को वापस प्राप्त कर सकते हैं। जैसे सलाद काटना, सलाद काटने के बाद भी जो खीरा है उसका टेस्ट वही रहता है, और लकड़ी को काटना, लकड़ी को अपन काटते हैं तो भी वो लकड़ी ही रहती है, उसमें मूल पदार्थ उसके मूल गुण परिवर्तित नहीं होते हैं दोस्तों। चलिए मूल पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। चौथा जो भौतिक परिवर्तन होता है वो कैसा होता, उत्क्रमणीय होता है। कैसा होता है? उत्क्रमणीय, अर्थात जो भौतिक परिवर्तन होता है उसमें दोनों ही विक्रिया होती है, अग्र और प्रतिप। जैसे जल है, इसको हमने जमाया तो क्या बन गया, बर्फ। ये हमारी होगी अग्र विक्रिया। कैसी होगी? अग्र, आगे जा रही है ना, अग्र। बर्फ को वापस पिघलाया तो वापस ये क्या बन गया, जल बन गया। इसको बोलेंगे प्रतीप अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? प्रतीप अभिक्रिया, अर्थात जो भौतिक परिवर्तन है ये दोनों ही दिशाओं में हो रहा है, अग्र में भी हो रहा है और प्रतीप में भी हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं उत्क्रमणीय। कैसे कहेंगे? उत्क्रमणीय, अर्थात भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है। तो ये चार इसकी मूल बातें हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब हम देखते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन जब भी होगा पदार्थ के मूल गुणों में परिवर्तन होगा, जबकि यहाँ मूल गुण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा था, रासायनिक परिवर्तन में मूल गुणों में परिवर्तन होगा, अर्थात उसकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, उसके रंग में परिवर्तन हो सकता है, उसके गंध में परिवर्तन हो सकता है, उसके स्वाद में परिवर्तन हो सकता है, उसके ताप में परिवर्तन हो सकता है, या कोई गैस बाहर निकल सकती है, या कोई गैस बाहर निकल सकती है। तो आप देख सकते हैं रासायनिक परिवर्तन में मूल गुण अवस्था रंग गंध स्वाद ताप और गैस बाहर निकल सकती है, और इनमें परिवर्तन हो सकता है। देखिए दूध का दही बनना,
पहले हमारे पास क्या था, दूध था। दूध का स्वाद अलग है, उसकी सुगंध अलग है, लेकिन जब दही बनता है तो उसके स्वाद में परिवर्तन आ जाता है। और उसमें कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन। जब एक बार हमारे पास दूध से दही बन गया तो क्या आप वापस दही से दूध बना सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि ये कैसा परिवर्तन है? स्थायी परिवर्तन है। कैसा है? स्थायी। एक बार दूध से दही बन गया तो बन गया, एक बार लोहे पे जंग लग गई तो लग गई, वापस लोहा उससे अपन नहीं बना सकते। अर्थात कैसा होता है? स्थायी। रासायनिक परिवर्तन कैसा होता है? स्थायी होता है। एक बार जो परिवर्तन हो गया सो हो गया, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखिए, मूल पदार्थ। रासायनिक परिवर्तन में हम मूल पदार्थ किसी भी स्थिति में प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि ये कैसा होता है? स्थायी होता है। ये कैसा था? अस्थायी था, इसलिए मूल पदार्थ प्राप्त कर सकते थे, लेकिन इसमें अपन मूल पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे दूध से दही प्राप्त नहीं कर सकते, जंग लगने पर वापस लोहा नहीं बनाया जा सकता, अंगूर का किण्वन, अंगूर एक बार सड़ गए तो वापस उनसे अंगूर अपन प्राप्त नहीं कर सकते। मानव श्वसन, जब अपन श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन गैस अंदर लेते हैं, लेकिन जब बाहर निकालते हैं तो कौन सी गैस बाहर निकलती है? CO2। अर्थात O2 अपन अंदर लेते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं, तो किसी भी स्थिति में O2 वापस अपन प्राप्त नहीं कर सकते। भोजन का पाचन, हमारे पेट में एक बार भोजन का पाचन हो गया तो हो गया, उससे वापस अपन पहले जैसे भोजन प्राप्त नहीं कर सकते। भोजन का पकना, एक बार रोटी है, आटा है, वो सिक गया और रोटी बन गई, तो रोटी से वापस अपन आटा प्राप्त नहीं कर सकते। अर्थात हम यहाँ रासायनिक परिवर्तन में मूल पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट। जब अपन मूल पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात दूध से दही बन गया, अंगूर का किण्वन, भोजन का पकना, भोजन का पाचन, मानव श्वसन, O2 से CO2 और लोहे पर जंग लगना। जब अपन मूल पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात यह अभिक्रिया, यह सॉरी यह परिवर्तन एक ही दिशा में हो रहा है। किस दिशा में हो रहा है? एक दिशा में। जैसे दूध से दही बन गया, अंगूर का किण्वन, भोजन का पकना, भोजन का पाचन, वापस अपन मूल पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते, तो हम इसे कहेंगे अनुत्क्रमणीय। कैसे कहेंगे? अनुत्क्रमणीय। इसको कह रहे थे उत्क्रमणीय, इसको कहेंगे अनुत्क्रमणीय। अर्थात जो रासायनिक परिवर्तन होता है वो कैसा होता है? अनुत्क्रमणीय होता है दोस्तों। तो ये दोनों, इस दोस्तों में अंतर है दोनों में ही। तो आप देख सकते हैं यहाँ सलाद का कटना कौन सा परिवर्तन हो गया? भौतिक परिवर्तन। दूध का दही बनना रासायनिक परिवर्तन, लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन, अंगूर का किण्वन रासायनिक परिवर्तन, कागज का फटना भौतिक परिवर्तन, लकड़ी को काटना भौतिक परिवर्तन, मोमबत्ती का जलना इसको देखेंगे, मानव श्वसन रासायनिक परिवर्तन, जल का बर्फ में सॉरी भौतिक परिवर्तन, भोजन का पाचन रासायनिक परिवर्तन, भोजन का पकना रासायनिक परिवर्तन, मोमबत्ती का जलना। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, मोमबत्ती का जलना। बहुत सारे एग्जाम क्वेश्चन आ चुका है। मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन भी है और भौतिक परिवर्तन भी है। कैसे? ये हमारे पास कुछ, ये मोमबत्ती है, ये जल रही है, मोमबत्ती जल रही है, कुछ देर बाद में ये इतनी रह गई, कुछ देर बाद में इतनी रह गई, फिर इतनी रह गई। लेकिन जब आपको पता है मोमबत्ती जलती है तो कुछ कुछ मोम यहाँ से पील कर नीचे आता रहता है, नीचे आता रहता है, जमा होता रहता है। अंत में जब मोमबत्ती बुझ जाती है तो थोड़ा सा मोम यहाँ बच जाता है, तो उस मोम से वापस अपन मोमबत्ती बढ़ा सकते हैं। अर्थात यहाँ इस मोम से अपन वापस मोमबत्ती बना सकते हैं, वापस हमारा मूल पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो आदि मोम है वो तो जल गई, उससे हम पर वापस मोम प्राप्त नहीं कर सकते। तो यहाँ पर दोनों ही परिवर्तन होंगे, मोमबत्ती का जलना रासायनिक और भौतिक दोनों ही परिवर्तन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये आपको एग्जांपल याद रखने हैं दोस्तों। अब दोस्तों मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूँ,
उसके बाद हम इन दोनों में अंतर करेंगे और आपको नोट्स लिखवाएंगे, उन नोट्स को आप वीडियो को पुश करके उतार सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहां हम ले रहे हैं मैग्नीशियम का रिबन, मैग्नीशियम का रिबन अर्थात जो मैग्नीशियम धातु है उसका रिबन ले रहे हैं। इसको फिर क्या कर रहे हैं, हम जला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जला रहे हैं। जब हम मैग्नीशियम के रिबन को जलाते हैं तो मैग्नीशियम का रिबन श्वेत लौ के साथ जलता है और जब पूरा मैग्नीशियम जल जाता है तो हमें एक श्वेत चूर्ण प्राप्त होता है। श्वेत चूर्ण प्राप्त होता है, समझ में आ गया। मैग्नीशियम का रिबन लिया, उसको अपन ने जलाया तो वह श्वेत लौ के साथ जला और अंत में हमारे पास श्वेत चूर्ण, जो मैग्नीशियम की जो रिबन की राख मिली, श्वेत रंग की थोड़ी सी चूर्ण मिली हमको। अब आप बता सकते हैं इसमें कौन सा परिवर्तन है। दोस्तों इसमें हमारे पास पहले मैग्नीशियम का रिबन था, उसको हमने जलाया, हमारे पास श्वेत चूर्ण में बन गया। क्या अपन श्वेत चूर्ण से वापस मैग्नीशियम का रिबन प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब वापस अपन मूल पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो जब अपन मूल पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन। अर्थात इसमें कौन सा परिवर्तन हो रहा है? रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। चलिए दोस्तों, अब दोस्तों जैसे मैग्नीशियम का रिबन है तो इसमें कौन सी धातु है? मैग्नीशियम धातु है, मैग्नीशियम धातु है, ठीक है। प्लस जला रहे हैं, कोई भी चीज को जलाएंगे तो वहां ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक है। जब भी कोई चीज जलती है तो वहां ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो वहां कोई भी चीज नहीं जलेगी। अर्थात यहाँ हम क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना कोई भी वस्तु नहीं जल सकती। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इन दोनों के मध्य क्या हुई? रासायनिक परिवर्तन हुआ। लेकिन अब यहाँ क्या हो रहा? रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। क्या हो रही है? रासायनिक अभिक्रिया। यहाँ मैं शॉर्ट रूप में लिख रहा हूँ, रासायनिक अभिक्रिया, और यहाँ हुआ था रासायनिक परिवर्तन। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के मध्य रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अर्थात हमारे को जो श्वेत चूर्ण मिला, ये कौन सा पदार्थ था? मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। कौन सा पदार्थ था? मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। ये जो श्वेत चूर्ण था ये क्या था? मैग्नीशियम डाइऑक्साइड हमारे को मिला था। अब दोस्तों इनको हम प्रतीकों के रूप में लिखते हैं। प्रतीक, प्रतीक आपको याद होने चाहिए, जो कक्षा 10 के विद्यार्थी है उनको कम से कम 30 तत्वों के प्रतीक याद होने चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना और मैं आपको पूरे ही 30 तत्व यहाँ लिखवा दूंगा, उनके प्रतीक लिखवा दूंगा, उनका द्रव्यमान लिखवा दूंगा, उनका परमाणु क्रमांक लिखवा दूंगा। चलिए, मैग्नीशियम का प्रतीक होता है Mg, ऑक्सीजन का होता है O2, इसको हम हमेशा O2 के रूप लिखते हैं। यहाँ हमारे पास O के दो परमाणु हैं तो यहाँ हम मैग्नीशियम के भी दो परमाणु लेंगे, अर्थात 2Mg प्लस O2 तो हमारे पास बन जाएगी 2MgO। यहाँ हमारी जो ये क्या है, ये रासायनिक समीकरण, इसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। कैसे बोला? कि पहले हमारे पास जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही थी उसके जो तत्व है उसको हमने प्रतीकों के रूप में व्यक्त कर दिया, तो ये क्या बन गया? रासायनिक समीकरण बन गई। तो रासायनिक समीकरण की परिभाषा क्या है? कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले तत्वों या पदार्थों को उनके प्रतीकों के रूप में व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है।
मैग्नीशियम को हमने एम जी लिख दिया, ऑक्सीजन को ओ टू लिख दिया, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को एम जी ओ लिख दिया। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके तत्व के प्रतीकों के रूप में व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण अलग से अपने वीडियो में पढ़ेंगे, यहाँ हम केवल भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पढ़ रहे हैं। तो इसमें भी कौन सा परिवर्तन हो गया? रासायनिक परिवर्तन। एक और उदाहरण देखते हैं। ये हमारे पास एक पात्र है, इसमें हमने ले लिया H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिया, ठीक है। और इसमें हमने डाल दिए जिंक के दाने, जिंक के टुकड़े डाल दिए। क्या डाल दिए? जिंक के टुकड़े। तो अब इस दोनों में अभिक्रिया होगी, किस किस में होगी? सल्फ्यूरिक अम्ल और जिंक में। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल और जिंक के टुकड़ों में अभिक्रिया होगी। तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है, H2SO4 प्लस जिंक, जिंक का प्रतीक होता है ZN। क्या होता है? ZN। तो अब क्या होगा? H2 जो बाहर निकल जाएगा और यहाँ ये ZN यहाँ आ जाएगा, तो ZnSO4 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकल गई, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल गई। तो मैंने पहले बताया था कि जब भी कोई गैस बाहर निकलेगी तो कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन होगा। अर्थात यहाँ कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। तो जब भी कोई गैस बाहर निकलती अवस्था रंग गंध स्वाद में परिवर्तन होता है तो रासायनिक परिवर्तन होता है। अब हम एक सारणी के माध्यम से नोट्स बनाते हैं और आप उसको उतारेंगे दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ मैंने पूरे नोट्स उतार दिए हैं और आप आसानी से नोट्स उतार सकते हैं। देखिए, भौतिक परिवर्तन पदार्थों में होने वाला वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के मूल गुण में परिवर्तन नहीं होता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। और यह कैसा होता है? अस्थायी होता है। इसमें वापस मूल पदार्थ प्राप्त हो जाता है। यह परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है। उदाहरण, लकड़ी को काटना, कागज का फटना, सलाद काटना, जल का बर्फ में बदलना, बर्फ का पिघलना। मैंने आपको पूरा पहले अच्छी तरह समझा दिया है, अब आप वीडियो को पुश कर ये नोट्स उतार सकते हैं दोस्तों। वीडियो को पुश कर लीजिए। चलो, अब रासायनिक परिवर्तन पदार्थ में होने वाला ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के मूल गुण कौन कौन से? रंग गंध स्वाद और ताप, इसमें परिवर्तन हो जाता है या कोई गैस बाहर निकलती है तो उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। और ये कैसा होता है? स्थायी होता है और ये अनुत्क्रमणीय होता है। इसमें मूल पदार्थ प्राप्त नहीं होता है किसी भी स्थिति में। उदाहरण, दूध का दही बनना, लोहे पर जंग लगना, भोजन का पाचन, भोजन का पकना, अंगूर का किण्वन, श्वसन और जलना। कोई भी चीज़ यदि जलती है तो कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक परिवर्तन। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना भौतिक और रासायनिक दोनों ही परिवर्तन है दोस्तों। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।